दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सक्सेस फॉर्मूला बताने वाला हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबने अपनी लाइफ में यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये फॉर्मूला आपके काम का नहीं है, आपने अपने 4 से 5 मिनट बर्बाद कर दिए हैं, तो इस वीडियो को डिसलाइक मार के छोड़ देना। और अगर लगे कि ये फॉर्मूला आपकी लाइफ चेंज कर सकता है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के लिए इस मोटिवेशनल विंग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से 95% व्यूअर्स वो हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। इसलिए अगर वीडियोस देखते हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखो, आपने एक लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि सबके पास अपना एक यूनिक टैलेंट है, उसे पहचानो और सक्सेसफुल हो जाओ। ये लाइन अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घुमा कर रख देती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मैं तो सिंगिंग भी कर सकता हूँ, मैं तो डांस भी अच्छा कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ। नहीं यार, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन इनमें से मेरा यूनिक टैलेंट कौन सा है। और ऐसा ही कुछ सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सी जगह पर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। देखो, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कोई ABC नाम का टैलेंट है, या कभी लगा हो कि आपके अंदर कोई XYZ नाम का टैलेंट है जो भगवान ने आपके अंदर डाल कर भेजा है कि जाओ आप XYZ बनोगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा होगा, क्योंकि XYZ नाम का कोई टैलेंट होता ही नहीं है। दरअसल हम उसी को अपना टैलेंट समझने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज है और जिसमें हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और आपसे पूछा जाए कि आपका टैलेंट क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत यही आएगा कि आपका टैलेंट पेंटिंग में है। लेकिन सोचो, अगर आपको पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता ना हो, और पेंटिंग ही नहीं इस दुनिया में किसी भी चीज के बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, और फिर आपसे पूछा जाए कि आपका टैलेंट किस में है, तो उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मतलब इससे एक बात क्लियर होती है कि भगवान हमारे अंदर कोई टैलेंट ढालकर नहीं भेजता, इसे हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। और इस टैलेंट की नींव शुरू होती है नॉलेज से कि आपको उस फील्ड के बारे में कितनी नॉलेज है, और यही है सक्सेस फॉर्मूले का फर्स्ट पॉइंट। देखो, सचिन तेंदुलकर के अंदर ऊपर वाले ने टैलेंट ढालकर नहीं भेजा था कि आप क्रिकेटर बनोगे, ना ही लता मंगेशकर के अंदर ढालकर भेजा था कि आप सिंगर बनोगी। असल में सक्सेसफुल होने का सारा खेल नॉलेज से शुरू होता है। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस दुनिया में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। उनके बारे में आपको नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में एक या दो नहीं बल्कि हजारों ऐसे काम हैं जिनमें सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। अब आता है सक्सेस फॉर्मूले का सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट। जब आपके पास बहुत सारे फील्ड्स के बारे में नॉलेज होगी तो उन्हीं में से कुछ ऐसे फील्ड्स होंगे जिनके बारे में जानने के बाद उनके लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो ऐसे फील्ड हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जैसे एथिकल हैकिंग और एक्टिंग। अब इन दोनों फील्ड्स में से आपको वो फील्ड चूज करना है जिससे आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हो कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपको लगे कि नहीं यार, मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो फिर और फील्ड्स के बारे में नॉलेज गेन करो। कोई ना कोई ऐसा फील्ड जरूर होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और आप उसको प्रैक्टिकली देख भी पा रहे होंगे कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आता है सक्सेस फॉर्मूले का थर्ड पॉइंट, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जब आप कोई भी एक फील्ड चूज कर लो, उसके बाद आपको उन लोगों को फॉलो करना है जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, और उसके बाद उस फील्ड में इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि वो आपके बाएं हाथ का खेल बन जाए। जब आप अपने फील्ड में माहिर बन जाओगे तो लोग आपके उसी काम को आपका टैलेंट कहने लग जाएंगे। दोस्तों, किसी के अंदर भी ऑलरेडी कोई यूनिक टैलेंट नहीं होता, इसे हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। टैलेंट का मतलब वरदान नहीं होता, टैलेंट का मतलब होता है कि आप कौन से फील्ड में महारत हासिल करते हो। इसलिए अपने अंदर टैलेंट को ढूंढना बंद करो और किसी एक फील्ड में अपना टैलेंट डेवलप करना शुरू करो, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में कोई भी टैलेंट साथ लेकर पैदा नहीं हुआ। जिसने जिस भी फील्ड में जाने के बारे में सोचा, उसने उसी फील्ड में अपना टैलेंट डेवलप किया कि वो कैसे उस फील्ड में लोगों से बेटर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चूज किया था। 12 साल लग गए, लेकिन 12 साल के अंदर एक्टिंग की दुनिया में ऐसी महारत हासिल कर ली कि जब वो पर्दे पर एक्टिंग करते हैं तो बाकी सुपरस्टार उनकी एक्टिंग के सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए अपने टैलेंट को डेवलप करो और उसके लिए ये सक्सेस फॉर्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और जिन्हें आप सक्सेसफुल देखना चाहते हो उनको जरूर शेयर करना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।